हम लोग जा रहे हैं गणेश जी के, पब्लिक लोग देखिए कितने सारी है पचड़े, गुंडा बैठा है, ये हमारे काका जी, ये जीजा जी, ये मक्खन, सब लोग बैठे हैं और हम चल रहे हैं ओले ओले से, ओले ओले से। हाँ तो दोस्तों हम आ चुके हैं गौमुखी के पास। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है, आप देख सकते हो साइड में, यहाँ ओके बहुत पानी निकला है। ये देखिए साइड में जो घास फूस है, जो जालियों की लिपटी हुई है, यहाँ पर से बहुत पानी बहा था, इस वजह से रणथंभौर को बंद कर दिया गया था 4-5 दिन के लिए। और आप आगे देख सकते हो पानी किस तरह है, आगे से जो साधन आ रहे हैं वो भी साइड से आ रहे हैं। थोड़ा आगे देखिएगा अभी, क्योंकि हम तो यहाँ आते जाते रहते हैं इसलिए हमें तो पता है इसके बारे में। ये देखिए दोस्तों साइड कुछ इस तरह का नज़ारा है, बेहतरीन। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं उसी तरह से हमें खूबसूरती बढ़ती जा रही है रणथंभौर की। वैसे तो हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, वरना आपको नीचे उतर के दिखाते। और दोस्तों ये हम चिल करते हुए हैं, फुल मूड फुल मज़ा। और आप देखिए यहाँ पर, देखिए साइड में से जो रास्ता है वो कटा हुआ है पानी की वजह से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आया था, इस वजह से नुकसान भी हुआ था। जो रोडों की मरम्मत आधी हो चुकी है, आधी रह रही है। ये देखिए रोड के ऊपर से पानी जा रहा है, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, आपको दिखा रहे हैं हम। और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, और ये एक ढलान है ऊंची, ये बड़ी ढलान है रणथंभौर की, एक बड़ी ढलान है ये वाली, सबसे बड़ी वाली ढलान है ये। तो हम इस पर गाड़ी चढ़ाते हैं, और जो आपको साइड में जो वाटरफॉल सा दिखाई दे रहा है वहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं, मतलब क्रोकोडाइल रहता है। अब हम ऊपर जाते हुए फुल स्पीड में अपनी जर्नी कंप्लीट करते हुए आगे जा रहे हैं हम। कैमरामैन डैशबोर्ड ज़्यादा दिखा रहा है गाड़ी का, कोई कैमरामैन कमज़ोर है। ये देखिए हम चिल करते हुए हाथ छोड़ दिए, खुशी का नज़ारा। और ये देखिए कितना शानदार है ये नज़ारा। और आईफोन लेने की वजह से जो हमारे कैमरे की क्वालिटी है वो अच्छी हो चुकी है, हमारी वॉइस भी अच्छी आ रही होगी आपके पास, मतलब कि ब्लॉग का फुल पैसा वसूल हो जाएगा, चाहे कुछ हो या ना हो, हमको मज़ा आ रहा है। लेकिन आईफोन की क्वालिटी देखने में बहुत अच्छा आ रहा है। जब बारिश आती है तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इधर तो साधन निकलने नहीं देते, वाहनों को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर आसपास में हिरन जैसे कुछ जानवर ही बहुत सारे दिखने को मिलते हैं, आप कभी आओ तो आपको भी दिख सकते हैं। रास्ते में टाइगर भी आ जाता है कभी कभी। अभी देखिए आगे कितना शानदार नज़ारा आने वाला है, जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे हम घुमाऊँ पे, वहीं से आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए कितना शानदार है, ये देखिए रास्ते किस तरह के हैं रणथंभौर के, लेकिन जगह बड़ी मस्त है। यहाँ से जोन स्टार्ट होता है, जो साइड में बोर्ड था वहाँ से। और हम हल्के हल्के कदमों से आगे जाते हुए, जो गाड़ी का एक्सीलेटर धीरे धीरे दबाते हुए, नज़ारे आप देख ही सकते हो कितने शानदार हैं, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको आप देख के ही बता सकते हो। ये देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है, और हम गाड़ी में कम से कम 8 जने हैं, बोलेरो है 7 सीटर। एक बेहतरीन
ब्लॉग लेके आया हूँ। हमारे बीच में देखिए पन्नालाल जोरी, पन्नालाल जोरी है। पन्नालाल।